ये वही स्थल है जहाँ से मैं आपको बाढ़ के दौरान अधिकतम वीडियो दिखाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम पानी था। इससे पीछे अगर मैं जाता तो ज़्यादा पानी था, कमर भर पानी था, 3 फीट के करीब पानी था और बहाव तेज था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाता। तो यहाँ से ज़्यादा वीडियो दिखाया हूँ और आज आप स्थिति देख लें यहाँ का कि क्या गहराई रही होगी यहाँ पे। जब लोग प्रवेश करते तो कितने पानी झेलने पड़ते, लग तो रहा है देख करके कि 5 फीट से कम पानी उनको नहीं झेलने पड़ते। इस साइड भी, और आप देखें इस साइड अभी भी गड्ढे में पानी है और खेत सूख गए हैं, लेकिन गड्ढे में पानी है। और थोड़ा बढ़कर दिखाया जाए कि क्या गहराई बनती है यहाँ पे क्या गहराई बनती है, आप देख लें। और एक गड्ढा खुद मेरे को लगता है कि 7-8 फीट गहरा होगा, तो 7-8 फीट वो है गहरा, और ऊपर से इसकी आप ऊंचाई को जोड़ दें तो कितना गहरा रहा होगा। और ऐसे में बहाव में अगर लोगों का पैर फिसल जाए तो कहाँ जाएंगे, और कितना खतरनाक स्थिति था, फिर भी लोग जोखिम लेकर बाढ़ के पानी में जाया करते थे। आइए वो पुलिया दिखाता हूँ मैं, जिसको भूलबस में यहीं पर पुलिया समझा करता था, और पुलिया की क्या स्थिति है चलिए दिखाता हूँ। ये पुलिया है जहाँ पे बिल्कुल ही ये पुलिया दिखता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पानी इस पिलर से भी ऊंचा था, तो यहाँ पे बिल्कुल दिखता नहीं था, फिर भी लोग जोखिम लेकर के इस रास्ते से गुजर रहे थे। आप बताएं कि अगर थोड़ा पैर फिसल जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, कितनी गहराई है। तो इतना जोखिम लेकर लोग इस सड़क को पार कर रहे थे, क्योंकि नाव की समुचित व्यवस्था थी नहीं। और इस इधर देखें क्या गहराई है, और कोई भी रुकावट नहीं है इस पुल में, कोई घिरावा नहीं है। लोग अगर थोड़ा भी पांव फिसल जाए, सड़क से कितनी दूरी है, थोड़ा भी पांव अगर फिसल जाए तो कहाँ खाई गिरेंगे, और तैरना ना आए तो फिर क्या होने वाला है। फिर भी लोग जोखिम लेकर जाया करते थे। आइए आगे दिखाता हूँ जहाँ सर्वाधिक तेज़ बहाव रहा होगा और जहाँ 3 फीट और या उससे ज़्यादा पानी रहा होगा। आइए देख लें, इधर बाढ़ का पानी कमा है और पूरी तरह भी सूख भी नहीं पाया, और सूखने में अभी महीनों लगेंगे, पर देख लें इतना पानी बचा हुआ है। और गहराई तो देख लें सड़क से, और उसके बावजूद इस सड़क पर 2.5-3 फीट पानी था। तो आइए दिखाते हैं सबसे ज़्यादा बहाव जहाँ था। तो देखिए यही सड़क है जो कुरसाहा बांध है, जो दिख रहा है दूर में, वहाँ से नीचे उतर कर थोड़ी गहराई पकड़ कर बाकरपुर चौक को जाने वाला ये पथ है। और देख लें बाढ़ का पानी अभी मौजूद है, पर नुकसान चलने में देने लायक पानी नहीं है, धीरे धीरे कम रहा है, समय लगेगा। अभी सर्वाधिक पानी यहाँ रहा होगा, ये हाइट 3 फीट के आसपास, और बहाव भी यहाँ काफ़ी तेज था। और गहराई देख लें, इस साइड दिखाएं गहराई इतना, और इधर तो गहराई देख लें आप, इधर गहराई देख लें, इधर देख लें गहराई। और यहाँ तेज़ बहाव था, 3 फीट के करीब यहाँ पे पानी था, 3 फीट के करीब यहाँ पे पानी था, और तेज़ बहाव में लोग इसमें प्रवेश कर जा रहे थे बाज़ार की ओर, और कितना खतरनाक था ये। बाढ़ के समय में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे में समुचित नाव व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, जो नहीं था, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा था, और यहाँ पर तेज़ बहाव के साथ 3 फीट या उससे ज़्यादा जल था। तो बाढ़ का दृश्य दिखाया था, अब बाढ़ के जाने के बाद का क्या दृश्य है यहाँ पर, ये दिखाने में आज आया हूँ। तो देख लें आप, और उन 3 घरों को भी मैं आपको दिखाऊँगा जिनके सहारे पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, मैं दिखाया करता। ये वही घर है जो बाढ़ के वीडियो के दौरान आप देख रहे थे कि पानी में आधा डूबा हुआ था। और आइए मैं आपको निशान दिखाता हूँ कि पानी कहाँ तक था, आप देख लें पानी ये यहाँ तक था, और ये मेरे से माप लें आप तो तकरीबन 4.5 फीट के ऊंचाई में यहाँ पे पानी आ चुका था। और
इसी से हम लोग दिखाया करते थे कि पानी कितना बढ़ा है और कितना घटा है। आइए दूसरा घर दिखाते हैं पानी का, और उसका गेट पानी में डूबा था बाढ़ के पानी कमने के बाद भी। आइए उस घर को दिखाते हैं, और इस दिशा में देखें खेत में पानी भरा था, और यहाँ जो पानी था 3-4 इंच रहा होगा, पर ये गहराई आप माप लें तो तकरीबन अगर वहाँ जाएंगे तो 4.5-5 फीट पानी होगा। और इस घर को हम लोग दिखा रहे थे बार बार, इसके गेट आधे पानी में डूबे थे, बगल में गड्ढा है और इधर भी गड्ढा है, ऐसे में बच्चों का निकलना खतरनाक है, बच्चे निकल रहे थे। तो आगे अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों तरफ गड्ढा है, और कभी बाढ़ का पानी आए तो बच्चों को अकेला ना छोड़े। तो ये घर आधा डूबा था, और चूँकि घर अंदर से ऊँचा है इसलिए लोग इसमें निवास कर रहे थे। आइए अगला घर दिखाते हैं, देख लें सड़क पर गाड़ी चलने लगी। हाँ, बाढ़ के दौरान ये गाड़ियाँ बंद थीं, पर अब चलने लगी हैं, लोग सड़कों पर वाहनों के साथ चल रहे हैं। और इधर इधर देख लें खेत कितने गहरे हैं, और यहाँ से उतरने के बाद या फिर 5 फीट से ज़्यादा जल यहाँ रहा होगा, तभी तो लोग यहाँ से निकलने के बाद तैरने लगते थे। आपने पूर्व के वीडियो में देखा था जो बाढ़ के काल का था। और देख लें इस घर के बगल में एक गड्ढा जिसमें पानी बाढ़ का है, और एक घर ज़्यादा ऊंचा है नहीं पर 6-7 इंच ये ऊंचा रह गया था, जो बाढ़ का मैक्सिमम पानी आया था तो 6-7 इंच ऊँचा ये रह गया था, और यहाँ से फिर से पानी घटना शुरू किया और पानी वापस चला गया। तो बाढ़ की स्थिति जो हम दिखा रहे थे आपको, इन्हीं घरों के सहारे दिखा रहे थे, तो अब बाढ़ का पानी जा चुका है, स्थिति सामान्य हो चुकी है। तो विचार आया कि एक बार दिखा दूं कि सूखी सड़क और पानी के जाने के बाद की स्थिति कैसी दिखती है, तो आज इसलिए मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। वैसे बाढ़ से संबंधित वीडियो अब मोहदी नगर क्षेत्र में बनेंगे, क्योंकि उधर बाया नदी और उनके साथ और भी कोई नदी है जिसके साथ मिलकर जल स्तर बढ़ रहा है, और मोहदी नगर से मोहम्मदीपुर जाने वाला पथ पानी में डूब रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर पानी बढ़ा तो मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगा, सड़क पर वहाँ पानी बढ़ना शुरू हो गया है। यह जगह बागरपुर चौक के निकट का जगह है, और इधर देख लें पानी बचा है बाढ़ का, हालांकि बाढ़ का पानी जा चुका है, और यह सड़क पर 1 फीट से ज़्यादा पानी था, बहाव तो था नहीं पर पानी 1 फीट से ज़्यादा, तो और नदी की गहराई देख लें आप कि यदि पैर फिसल जाए तो जो जिनको तैरने नहीं आता है वो कितने पानी में जाएंगे। आप देख लें यह स्थिति यहाँ पर देखी थी, और लोग चलने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे क्योंकि रास्ते कहाँ हैं नहीं है वो पानी में दिख नहीं रहा था। और अभी लोग मस्ती कर रहे हैं, अभी देखें मछली मारने के लिए बच्चों ने बंसी लगा रखी है। आइए मैं दिखाता हूँ वहाँ से नदी की गहराई। इतने सारे दर्शक हैं भाई बहुत सारे दर्शक हैं आज, और थोड़ा मैं नीचे से दिखा दूँ आपको, दर्शकों की कमी नहीं है। ये नदी है, और बोलते हैं लोग मरगंग नदी, बरसात के दिनों में गंगा के जल में वृद्धि के बाद इसमें भी जल आता है, तो लोग यहाँ बैठकर मस्ती कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बाढ़ छोड़ कर गया है इन लोगों को, लोगों में खुशी है और सब कुछ सामान्य हो चुका है।